बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बायोलॉजी क्लास फॉर ग्रेड 10। स्टूडेंट, एज़ यू हैव गिवन मी द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10 एंड 11, आप मुझे चैप्टर नंबर 10 और 11 का टेस्ट दे चुके हैं। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 फॉर वीएन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अटेंड दीज क्लासेज रेगुलरली एंड मेक श्योर योर अटेंडेंस शुड बी 100%। और इस वक्त आपने अपनी जो है टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, यही वो टाइम है जब आपकी स्टडी से आपको इन टच रहना है। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 एंड द टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? व्हेन एवर यू स्टार्ट अ यूनिट और अ चैप्टर एंड विद द टॉपिक, तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्टली कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन, जब भी हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कुछ भी है, जैसे ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, रनिंग है, राइटिंग है, तो इस एक एक्शन में बहुत से बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ एप्रोप्रिएट जो है रिएक्शन शो करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हम वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये कोऑर्डिनेशन आती कैसे है? तो कोऑर्डिनेशन के लिए जो है हमें दो जो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है जिन्हें हमें माइंड में रखना है। कि जैसे एक अगर सिंपल वर्ब भी है, फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग दिस टाइम, मैं इस वक्त जो बोल रही हूँ, दिस इज़ आल्सो अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, क्योंकि मेरा बोलना भी जो है दैट इज़ द अंडर द कंट्रोल ऑफ टू सिस्टम्स। एक सिस्टम है दैट इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि किस ऑर्गन की वजह से होती है, कौन सा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। सो फर्स्ट इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, और सेकंड है केमिकल कोऑर्डिनेशन दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। सो दीज आर द टू सिस्टम, जो भी हमें काम करना है, दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में दोनों होते हैं, हैव बोथ, और उसमें हम भी शामिल हैं, हम ह्यूमंस भी उसी में शामिल हैं, और हमारे अंदर दोनों हैं, हमारा नर्वस सिस्टम भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन प्लांट्स में जो है सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है। आप जनरल ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं कि प्लांट्स दे डू नॉट नीड एनी नर्वस सिस्टम, सो दे हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। और सिर्फ ये नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हीं में ही कोऑर्डिनेशन होती है, इट आल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को। आप कोऑर्डिनेशन को ये भी कहते हैं, कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब किसका है, कैसा है रिस्पॉन्स, क्यों करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म? जब भी कोई उसकी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं, और दैट इज़ मीन द चेंज। स्टिमुलाई इज़ द चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। वो भी कोऑर्डिनेशन उनमें भी होती है, और वो जो है उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई होता है उसको वो कैसे करते हैं? थ्रू केमिकल्स। वो रिस्पॉन्स उसको कैसे करते हैं? थ्रू द केमिकल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केमिकल जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन एक्शन, उसमें फाइव कंपोनेंट हैं। कोऑर्डिनेशन एक्शन को आप ये भी कह सकते हैं एनी एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं अगर आप उसे पूरा कर सकें, प्रॉपर कर सकें, तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। और उसके लिए फाइव कंपोनेंट एट अ टाइम वर्क करते हैं। फर्स्ट इज़ द स्टिमुलस, एज यू कैन सी हियर कोऑर्डिनेशन। ये आपको फाइव जो है ज़रूर याद रखने हैं कि स्टिमुलस क्या है। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म,
चेंज जो आता है देन द रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर इस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, और इसमें रिसेप्टर्स में पूरे 5 सेंस ऑर्गन आ जाते हैं, ईयर, आइज, नोज, टंग एंड स्किन। ये सब जो हैं ये रिसेप्टर होते हैं, ये इस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। फिर ये रिसेप्टर से जो है नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर में नर्वस सिस्टम भी आ सकता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है। यहाँ से फिर स्टिमुलाई जो है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो भी चेंज है बाहर का वो स्टिमुलस है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो वो एक नर्व इम्पल्स बन गई है। अब वो जाता है इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स क्या हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स जो कि उस स्टिमुलस को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स रिसीव करते हैं। देन इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है कि रिएक्ट करना, जो एक्शन है उसका रिएक्शन, स्टिमुलाई का रिएक्शन इज़ द रिस्पॉन्स। और उसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आई नीड टू स्पीक, ठीक है, मुझे आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक प्रिपेयर करना है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी स्टिमुलाई है कि जो मुझे कह रहा है कि मुझे वर्क करना है, ठीक है। और ये स्टिमुलाई जो है रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं। अब रिसेप्टर में मेरे पूरे के पूरे 5 सेंस ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मैं इस वक्त देख भी रही हूँ, मैं इस वक्त बोल भी रही हूँ, मैं इस वक्त राइटिंग भी कर रही हूँ, तो ये मेरे रिसेप्टर हैं जो रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलाई को कि आई हैव टू मेक अ लिंक। देन दिस स्टिमुलाई आर गोइंग टू द कोऑर्डिनेटर। फिर ये मेरे नर्वस सिस्टम में ये पूरा मैसेज आ रहा है कि मुझे ये काम करना है, उसमें जो है मुझे अब इसको प्रिपेयर करना है। अब कोऑर्डिनेटर जो है इफेक्टर पे वर्क करता है, ये अब मैसेज इफेक्टर के पास चला गया कि प्रिपेयर करें, लिखें, बोलें, सुनें, देखें। तो ये इफेक्टर्स हैं और मेरे इस पूरी मूवमेंट में मेरे ग्लैंड्स यूज़ हो रहे हैं, मेरे हैंड के मसल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो अब फिर मैं इसका रिस्पॉन्स क्या है कि अब मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। अगर इसमें से पूरे इस एक्शन में से एक भी चीज़ मिस हो जाए तो मैं ये काम नहीं कर सकती। सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन कि मुझे इन सब स्टेप से गुजरने, देन आई विल कम्प्लीट माई वर्क। फिर मेरा वर्क कम्प्लीट होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा कि मैं वो काम करना शुरू कर दूँगी। पहले मैं सोचती हूँ कि मुझे ये काम करना है, दैट इज़ द स्टिमुलस। फिर वो रिसीव करता है, मैं वर्क करना शुरू करती हूँ, वो एक्शन होता है, फिर मेरे माइंड तक जाता है कि ये अब आप ये काम करें, और अफेक्टर्स जो हैं फिर मेरा बॉडी वर्क करना शुरू करती है, मैं राइटिंग स्टार्ट करती हूँ, और रिस्पॉन्स क्या है कि आई कम्प्लीट माई वर्क। सो दिस इज़ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन एक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।